सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं एसएस मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ नामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। क्या आप जानते हैं कि प्याज खाने से इंसानी सेहत पर हैरान कन असरात मरतब होते हैं? प्याज खाने से सेहत पर बेशुमार फ़वाद मरतब होते हैं। ज़मीन के अंदर उगने वाली इस सब्ज़ी प्याज के माहरीन की जानब से ना सिर्फ तीब बल्कि साइंसी एतबार से भी मतदद फ़वाद बताए जाते हैं। इन फ़वाद में सरे फ्रिस कैस्ट्रोल की सतह का मतवाजन रहना है। माहरीन गजाइत के मुताबिक प्याज के 100 ग्राम में से 40 ग्राम कैलोरीज पानी और 1.1 ग्राम प्रोटीन, 9.3 ग्राम कार्बन, 4.2 ग्राम शुगर, 1.7 ग्राम फाइबर और 0.1 ग्राम फैट और इसके अलावा विटामिन B9 भी पाया जाता है। माहरीन के मुताबिक प्याज में विटामिन B9 पाए जाने के सबब हामला खवातीन के लिए नहायत मौजू गजा है, जबकि विटामिन B6 की मौजूदगी खून में लाल खुलियों की अफजाइश बेहतर बनाने के लिए है और इसमें मौजूद इंसानी सेहत के लिए पोटाशियम के सबब ब्लड प्रेशर मतवाजन और दिल की सेहत बेहतर रहती है। गजाई माहरीन के मुताबिक प्याज ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद गजा है, जिसे बतौर सलाद रूटीन में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। इसमें मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल की सतह भी कंट्रोल रहती है, जिससे दिल की सेहत को फ़रोग मिलता है। रोज़ाना की बुनियाद पर प्याज का इस्तेमाल बालों की सेहत बढ़ाता है, जबकि अगर इसका रस निकालकर बालों पर लगाया जाए तो ये एक बेहतरीन टॉनिक साबित होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत और नए बालों की अफजाइश भी होती है। प्याज के मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल झड़ते बालों का शर्तिया इलाज है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए प्याज का इस्तेमाल मुफीद होता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कीमियाई कंपाउंड ठंडक का एहसास जगाता है और लू से बचाव मुमकिन बनाता है। गर्मियों में प्याज को सलाद के तौर पर कच्चा खाया जा सकता है। जायका बढ़ाने के लिए कच्चे प्याज पर नींबू, चाट मसाला और नमक छिड़क लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।